लोगों को क्लियरेंस हो जाएगी क्या? लोगों को बता रही है, लोगों से बात हो। क्या क्या मतलब क्या पता हुआ, क्या देखा? बस देखा, बुका देखा है। जी जी, हम रिपोर्ट दे रहे हैं डीसी सर। आप यहाँ कर रहे हैं ना सर? आप यहाँ पे आए थे, क्या इशू है और क्या आपने यहाँ पे देखा? क्या इशू है कोई वो देख लिया, मैं डीसी को रिपोर्ट दे दूंगा सर। लोगों को भी क्लियरेंस, लोगों को बता दिया हमने। काफी ज्यादा उम्मीद रहती है सर, क्योंकि आप दूर दराज इलाके में आए हो और इशू बढ़ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कूल नीचे होना चाहिए था, कुछ लोग ऊपर होना चाहिए। मैं साहब को रिपोर्ट दे दूंगा सर। मीडिया में नहीं बताओगे? नहीं नहीं, मैं डीसी को रिपोर्ट, डीसी ने भेजा था मेरे को जी, जाके देखे। सर क्या देखा आपने, क्या लोगों की डिमांड क्या थी? और वो दोनों पार्टियों को सुन लिया हमने, वो एक पार्टी ऊपर है एक नीचे है। सर क्या डिमांड कर रहे हैं ये वाली पार्टी, क्या डिमांड कर रही है? ये स्कूल के लिए कि ये इधर अलाट हुआ है, वो कह रहे हैं इधर अलाट हुआ है अपर बलदान, वो देख लेंगे सर। गवर्नमेंट ने अलाट किया स्कूल जी, ना कि किसी ने पब्लिक के वजह से, कुछ दस बंदे बोलने के नीचे बनाओ, कोई बोलेगा ऊपर बनाओ, वो तो गवर्नमेंट ने देखना। स्कूल आया कहाँ पे है ये? अपर बलदानू में है मेरे, ऊपर में आया। बीडीओ साहब को पता होगा, बीडीओ साहब ने सर। हमें सुनने में ये आया कि ये स्कूल जहाँ पे चल रहा है तो लगभग कोई 17 साल हो गए यहाँ पे स्कूल चल रहा है। तो मैं डी साहब को रिपोर्ट दे दूंगा। 20 साल हो गया जनाब, 20 साल जाए तो आप लोगों की क्या उम्मीद है, क्या सर ने जवाब दिए थे? जहाँ स्कूल दिए गल मुख, तो आप तो उसके चाहते कि स्कूल कुछ बने, बने स्कूल पहले कुछ बने था स्कूल इतने गया, इले स्कूल कुछ है और क्या खाए स्कूल इतो चुके ऊपर जाए, कोई आखिर ऊपर जाए तो कोई आखिर खा जाए कि किए जाना ऊपर दिखा दे। मेरा निका निका बच्चा हम ना वो जा सका ना वो जा सका जी जी, ना हम लोग दूर हर वैसे पढ़ा सका नहीं। हमने जवाब दिया, हम उठे भी देखा जवाब नहीं दिता। क्या खाए साहब ये आखिर एक बनेगा इतने से दुआ बनेगा उससे क्या पता? गवर्नमेंट ने दिखाना भाई जितने। इस वक्त मैं MS कुलडा बलदानू में मौजूद हूँ, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर बनाया जा रहा था, जहाँ पर हर कोई शिक्षा लेके ऊंचे ऊंचे औहदों पे जो है वो पहुँचते हैं। और ये मंदिर को जो है वो कल तोड़ा गया है। लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग जो है वो कल बनाई जा रही थी, कल रात को कुछ लोग आते हैं और लोग जो है वो बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। और आप ठीक देख सकते हैं ये तस्वीरों में, यहाँ पर हर किसी के बच्चे जो है वो पढ़ने थे। ये बिल्डिंग को जो है वो कल शाम को तोड़ा गया है और इन लोगों के पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। और पता नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा कि किसी व्यक्ति ने तोड़ी है, लेकिन जो है वो कंप्लेंट SHO जी सिंह मनाथ अनास में दे दी गई है और SHO साहब जो है वो इसकी तहतीत अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये MS मिल्डा बलदानू स्कूल है, यहाँ पर जो है वो स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही थी। इनका कहना है कि बिल्डिंग जो है वो तोड़ दी गई है। कुछ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि उनका कहना था कि स्कूल जो आया है ऊपर बलदानू में आया है, कोई कह रहा है कि नीचे में आया हुआ है। तो तमाम जानकारी जो है वो जुटाने का हम प्रयास करेंगे। ये लोग जो हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ के ही लोग हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे। ये स्कूल जो है वो कितने सालों से जहाँ पर चल रहा था और आखिर अब विवाद क्या बना हुआ है? अब नायब साहब, नायब साहब क्या कारण हुआ है कि शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर हर कोई शिक्षा लेना चाहता है और यहाँ पर आप स्कूल बनवा रहे हो, जहाँ बन रहा है किसी की वजह से ही बन रहा होगा, लेकिन ये क्या कारण हुआ है कि ये बिल्डिंग जो है वो तोड़ दी गई है? क्या चाहते हैं लोग? लोग तो ये चाहते हैं कि स्कूल बने। हाँ जी, तो हमारी भी यही कोशिश है कि स्कूल बनना चाहिए, कहीं भी बने, यहाँ बन रहा है तो बनना चाहिए क्योंकि बच्चों ने पढ़ना है। लेकिन जो तोड़ा है वो इलीगल काम है जी, वो पब्लिक के हाथ ये काम नहीं है तोड़ना जी, जिसको डिपार्टमेंट रोक सकता है या बना सकता है। हाँ जी, तो इसलिए तो कार्रवाई होनी चाहिए जिस आदमी ने ऐसा काम गलत किया है। ये मुझे बताइए, ये स्कूल जो बन रहा है ये किसी की बिल्डिंग में ये स्कूल जो है वो चल रहा था पहले, अब गवर्नमेंट ने जो है वो इनको बिल्डिंग दी है, ये बिल्डिंग दी है ताकि बच्चे जो है वो पढ़े, तो कितने सालों से ये स्कूल जो है वो यहाँ पर चल रहा है? ये 2004 से शुरू हुआ था तो आज 2023 से 19 साल हुए तकरीबन इस स्कूल को इसी बिल्डिंग में चल। प्राइमरी था कि मिडिल है? ये एक प्राइमरी था एक मिडिल था, फिर बाद में कन्वर्ट हो गया, ये मिडिल बन गया। अच्छा, मेरे को बताओ ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पे चलते हुए कितनी देर हो गई? यहाँ पर चलते हुए 19 साल। 19 साल हो गया, तो मिडिल स्कूल कहाँ से कहाँ था पहले? मिडिल स्कूल भी यही था, यही था, यही ऊपर कोई स्कूल था जहाँ पे कल इशू बना? आपने देखा होगा कोई सोशल मीडिया पे चल रहा, तो हम मीडिया का काम है पूरे एंड तक जाए और हम ग्राउंड में आए। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर कहीं स्कूल बना था पहले? आज तक फंक्शनल नहीं हुआ स्कूल। ये स्कूल किसी सरपंच ने दिया, कोई मिनिस्टर ने दिया, MLA ने दिया या सरपंच ने दिया? ये तो गवर्नमेंट ने दिया। तो आपने देखा होगा उस वीडियो में बोल रहे हैं कुछ लोगों की ये स्कूल हमने दिया। देखा तो होगा हमने, मगर अब देते रहते बोलते रहते हैं लोग, हम भी बोल देंगे। क्या अब ये जो सरपंच है इनका क्या नाम है, जो यहाँ का सरपंच है? दिलीप कुमार शर्मा। ये स्कूल अपनी मर्जी से बना रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, ये पब्लिक की मर्जी से बन रहा है। क्या सरपंच के पास पावर होती है कि सरपंच चाहे कि ऊपर ले जाए स्कूल, सरपंच चाहे कि नीचे दे दे स्कूल? नहीं, ये तो सरकार का काम है। सरकार का है ना ये काम, सरकार देगी तो आगे सरपंच भी जहाँ जगह दिखा सकते हैं। हाँ, डोनेशन हुई है लैंड यहाँ पर। अच्छा, स्कूल के। अच्छा, डॉक्यूमेंट में आया कि MS बलदानू अपर, ये अपर बलदानू के लिए आया कि नीचे बलदानू है कि ऊपर है? ये
ये सारा यहाँ पर में ही है, ये ऊपर में यहाँ पर में ही है। अच्छा, लोअर बल्दानो तो फिर चले गया, रेडपुल भी बल्दानो में है, ठीक है, खुल्डी भी बल्दानो में है। अब इशू क्या है, बच्चों ने पढ़ना है ना कि किसी वहाँ पे बाज हो रही है, कोई बकरवाल के लोग रह रहे हैं, कुछ रायपूत रह रहे हैं, ये क्या चल रहा है? बकरवाल तो इधर भी खड़े हैं, है ना, ये हर व्यक्ति पढ़ेगा, जहाँ पे बकरवाल भी पढ़ेगा, रायपूत भी पढ़ेगा, हिंदू भी पढ़ेगा, है ना, हर जगह। अगर वहाँ पर बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट आज भी इनको अलग कर सकती है। जी जी, अच्छा मुझे बताएं कि अब ऊपर वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीचे एक घर है, ऊपर ज्यादा घर है, कोई 30-40 बता रहे हैं, कोई 20 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, पूरी सच्चाई क्या है? घर तो इधर उधर बराबर ही है, वो तो आप रिकॉर्ड देख लो जी। ये इन लोगों का कहना है कि 18 बच्चे इस मोहल्ले के हैं जी, नहीं 18 नहीं 19 है, हमें 18 यहाँ के हैं जी, एक बच्चा वहाँ से आता है, इनका कहना है लोगों का, स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक ही वही है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, सीओ मैडम के साथ हमारी बातचीत हुई है, हम हवा में बात नहीं करेंगे। मैडम ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो जहाँ पे स्ट्रेंथ टोटल 19 बच्चे हैं, अब बच्चे कहाँ से आ रहे हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन जहाँ पे टोटल 19 बच्चे आ रहे हैं, इनका कह रहा है कि एक बच्चा ऊपर से आ रहा है, हो सकता है 3-4 आ रहे हो, 5-6 आ रहे हो, 10 आ रहे हो, इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे टोटल 19 बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 बच्चे यहाँ स्कूल में आया, 15 के 16 आए हुए हैं, 2-3 बच्चे नहीं आए हुए हैं। अब हुई है फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट को दी हुई है, एक कोई लड़की जो है वो कुक बेचारी लगी हुई है, और ये रेंट पे जो है वो स्कूल चल रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट ने बिल्डिंग दी, गवर्नमेंट ने जो है वो बिल्डिंग जो यहाँ पे निर्धारित की गई है, और इनका कहना है कि कुछ लोग आए उन्होंने रात को बिल्डिंग जो है वो तोड़ दी है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो थाने में दे दी गई है। अब ये थे नायब सरपंच, नायब सरपंच साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनी। वो जो सरपंच साहब कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए टूर पर। अच्छा, कब से गए वो? वो कल से गए। उनके साथ फोन पे बात करेंगे। ये नायब साहब थे, और मैम आपका क्या नाम है? डाल दीजिए, आप पंच नंबर 8। मैडम क्या चाहते हो आप, स्कूल कहाँ बने, क्या स्कूल जहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्डिंग निर्धारित की है, जहाँ के लिए पैसा आया यहाँ पे बननी चाहिए कि ऊपर बने? इधर बननी चाहिए। तो क्या कारण? अच्छा ठीक है, डोगरी बोल गो मिस राहो, ऊपर की नहीं बननी चाहिए? इतना से ऊपर बच्चे किन्ने? ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬਾੜ ਦੇ ਬਲਦਾਨੂ ਜੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾੜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲਦਾਨੂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊ ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ? ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਇਹ ਪਾੜ ਚੜੀ ਜਾਣ ਵਣਾ ਉੱਪਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਸ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। खाना भी खिलांदे होने, जेके ए भी बनांदी होनी खाना, बच्चे खिलाना भी उन्हें आपू भी बैठना, देखो कितनी फैसिलिटी दी आ रही, तुसे हर चीज दी आ रही, स्कूल दी आ रही, फिर भी नहीं बनने दी आ रही, लोके दी गलती, देखो ना लोके दी गलती सर। बस चाचा, स्कूल कुत्थे बनना चाहिदा? ए जनाब इथे बनना चाहिदा। किन्ने बच्चे पढ़ा दे इथे तुंदे? ए 19 बच्चे जनाब। तुस कुत्थे रहंदे हो? ए शमा, ए शमा कन्ने रहंदे हो? तुंदा की नाम सर? मेरा मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, स्कूल के लगदा की स्कूल कुत्थे बनना चाहिदा? इधर बनना चाहिदा। इधर की बनना चाहिदा? सेंटर है। सेंटर है, हां जी। दोनों को फायदा हो, क्योंकि उधर भी बच्चे, उधर सारे ने फायदा जनाब। पहले स्कूल कुत्थे चला? पहले भी इधर चला। शुरू तो इथे चला, ऊपर कहां स्कूल चलया? नहीं चलया। इशू के बनदा की दसदा है कि आएदा ऊपर बलदानु आएदा कुछ? ओ आखदे उधर बने, सेंटर है इधर। अच्छा अच्छा, सब इधर आ रहे, मतलब पहले भी स्कूल इथे हां इथे करोने चाहिए। हां 19-20 साल हो गए। जगह डोनेट कीते कितने साल हो बंदे ने? बिल्कुल दो कनाल जगह फ्री बिच डोनेट की। चाचा क्या लगता है, बच्चे पढ़ा जाते हैं? हाँ जनाब, बच्चा लोगों का पढ़े, मेरा नहीं पढ़ता बच्चा, ही नहीं मेरा, मगर लोगों का पढ़े, मैं देखियो 20 साल से स्कूल इतने। अच्छा, तो यही है कि सारा जेड़े लोग बाइट दिया दे बोल दे कि स्कूल ऊपर बनना चाहिए था, वो ऊपर आस्ते आई थी बिल्डिंग, ऊपर बच्चे बड़े ने उसे काटन। नहीं जनाब, यू तो सेंटर बच्चों को यू ऐसी जगह ना आ सके, ऊपर सेंटर कोई नहीं, सारा बच्चा है, पॉलिटिकल स्टंट है, कोई बात। कुछ लोग बोलते स्कूल ऐसे देता सर, गवर्नमेंट कहते हैं
हमने काम लगवाया। इसकी पहले वो बनती है डीपीआर बनती है कुछ? सर इसकी लाडमेंट होती है, ऐसा नहीं काम होता है, लाडमेंट है इसकी। हाँ। सारा कागज पड़े हैं मेरे पास। ये काम हमने शुरू किया तो कुछ बंदे चल रहा था काम, 15-20 महीने में, एक महीना हो गया लमसम। कुछ बंदे आते हैं कोई 9 तारीख को, बोलते हैं नहीं जी काम बंद करो। मैंने उनको बोला रिटर्न में दो, ऐसे कैसे बंद करें हम? तो जोर जबरदस्ती लेबर को खींचा नीचे, अड्डा शड्डा गिरा दिया सारा। चल छोड़ो, फिर मैं इधर से चला गया रियासी। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, एसएसपी से मार करवाई, एसएचओ को दी। अच्छा। उसके ऊपर अभी दी है, अभी तो कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। एसएचओ साहब के साथ बात करनी थी। हाँ, मैंने बोला था क्या पता आप करेंगे, क्या है, क्या कहाँ तक पहुँचा था, 20 वर्ष तक कर रहे हो, क्या पता। उसके बाद फिर रात को मैं इधर आया था, वो दो बंदे सुरिंदर और करनेल, दो बंदे मैंने देखे इधर दीवारें नीचे गिरा रहे थे। आपके पास सबूत है कोई? मैंने देखा बोल रहे हो, क्योंकि सबूत, क्योंकि मैंने देखा था रात को, मैं इधर आया था ना, कोई वीडियो है, सबूत है? वीडियो नहीं, ऐसे मैंने देखा था उनको रात को। अच्छा। हाँ। लेकिन कल वो सबूत चाहिए होते हैं, क्योंकि सबूत मैंने खुद देखा है, तो क्या सबूत उसमें, मैंने खुद देखा है तो जो मैंने काम लगवाया था, तो मैं खुद आया था इधर, मुझे पता था ये रात को। कोई वीडियो वगैरह पड़े हैं? वीडियो पहले का पड़ा है, रात का वीडियो, रात में कहाँ वीडियो बनाएंगे अंधेरे में। मैंने उनको देखा है, दो बंदे थे सुरिंदर और करनेल। आपने बताया सचो साहब? मैंने उनको अभी कल नहीं बताया, अभी बोल रहे थे मेरे को वो उसकी एक मुझे दे दो स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट दे दो, अब देखते हैं कल। तो ये इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि हमने खुद नहीं देखे हैं इनके। ये कह रहे हैं कि हमने देखे हैं, वो बंदे हैं, वो उसकी पुष्टि जो है वो ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्डिंग जो है वो टूटी हुई साफ तौर पे दिख रही है। स्कूल जहाँ पे बनना चाहिए था, मिडिल स्कूल जो उसकी बिल्डिंग बना रहे थे, ये ठेकेदार साहब हैं, और यहाँ पे जो है कुछ लोग आते हैं, इनका कहना है कि बिल्डिंग जो है वो तोड़ दी है। हमें तोड़ी हुई दिख रही है, लेकिन बंदे कौन थे इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा। कुछ और लोग हैं ये कुछ। मैम आपका क्या नाम है? बंदा ये कहाँ पढ़े हो आप? पहले इधर ही पढ़े हो? स्कूल यहाँ पे था कि पहले ऊपर था कहीं? इधर ही था शुरू से ही। तो आप क्या चाहते हो, स्कूल यहाँ पे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैम आपका क्या नाम? क्या मैम आप कहाँ रहते हो? स्कूल कहाँ बनना चाहिए मैम? मैम आपका देखो मैम जी क्या चाहते हो, स्कूल कुछ बना? स्कूल इतने बनना चाहिए। अच्छा, पहले भी इतने कहा है? पहले भी इतने था। फिर इशू क्या, लड़ाई की इसी गल दी बना दी? लड़ाई भी 20 साल दा स्कूल इतने ही चलिया। हां, इतने ही पढ़े बच्चे, आगे भी इतने ही बनना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये कहानी है। और आज तहसीलदार साहब यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि डीसी साहब ने जो है वो तुरंत जो है, जब वीडियो वायरल हुआ और कुछ लोग जो है वो डीसी साहब के पास पहुंचे, डीसी साहब ने जो है वो तुरंत इंक्वायरी के इंक्वायरी बिठा दी। और आज जो है वो तहसीलदार ठाकराकोट मौके पे यहाँ पे पहुंचे थे, वो जहाँ पे आए हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कहा, ये सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग जो है वो आपने देखा, ये किसी ने तोड़ दी है। और उसके बाद एक और बात मैं बता दूं कि दो कनाल बाड़ी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट को डोनेट की गई है, ये इनका कहना है। यहाँ पे शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे हर किसी के बच्चे जो है वो पढ़ेंगे, ना ही कुछ एक कम्युनिटी के या दो कम्युनिटी के पढ़ेंगे। शिक्षा के मंदिर को राजनीति ना बनाए, यहाँ पर हर कोई पढ़ता है, यही मंदिर है। यहाँ पे हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ेंगे, मुस्लिम के पढ़ेंगे, सिख के पढ़ेंगे, ईसाई के पढ़ेंगे। अब ऐसा तहसीलदार साहब जो खुद गए हैं, आज वो रिपोर्ट जो है वो डीसी साहब को सौंपेंगे, डीसी साहब जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। हम भी चाहते हैं कि जो सच हो वो सामने आए, क्योंकि मीडिया का दायित्व है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने दिखाने का प्रयास किया। और इनका कहना है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग तोड़ी है, उसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।